बंदूक की नोक पर पत्नी का अपहरण कर जेवरात सहित नकदी ले गया, छोड़ने की मांग रहा 1 लाख। शिवपुरी से खबर सामने आ रही है। शिवपुरी में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक युवक ने अपनी ही पत्नी का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने बताया है कि वह अपने ग्राम चकराना गया हुआ था, तभी फॉर्म पर पत्नी अकेली थी और युवक बंदूक की नोक पर पत्नी सहित घर के जेवरात और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। जानकारी के अनुसार कल्याण पुत्र मथुरा प्रसाद धाकड़ निवासी ग्राम चकराना ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी फॉर्म पर अकेली थी और वह अपने ग्राम चकराना गया हुआ था, तभी आरोपी कमलेश धाकड़ निवासी ग्राम बिलावली तहसील कैलारस जिला मुरैना आया और बंदूक की नोक पर युवक की पत्नी को ले गया, साथ ही घर पर रखे जेवरात और नकदी भी ले गया। युवक ने बताया कि 6 नवंबर को वह अपने ग्राम चकराना काम से आया हुआ था, तभी उसकी पत्नी राजावती धाकड़ अकेली थी और बच्चे बालाजी धाम पर अपने दादाजी के साथ दर्शन करने गए हुए थे, तभी ग्राम बिलावली तहसील कैलारस जिला मुरैना का रहने वाला कमलेश धाकड़ नामक व्यक्ति आया और पत्नी को बंदूक की नोक पर अपहरण करके ले गया। इसकी शिकायत 11 नवंबर को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन आज दिनांक तक उसकी पत्नी को वापस नहीं लाया गया है। वह युवक ने बताया कि आरोपी 1 लाख रुपये की मांग कर रहा है और कहता है कि 1 लाख दे जाओ और पत्नी को ले जाओ। युवक ने बताया कि घर में रखे हुए जेवरात, एक सोने का हार, 75,000 रुपये नगद, 50,000 की करधुनी, 25,000 नगद और इसके अलावा राजवती के पहने हुए जेवरात, सोने के कान के टॉप्स, मंगलसूत्र, चांदी की तोड़िया, चांदी की बिछिया आदि कुल 1,85,000 नगद लूट ले गया। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी आने के लिए तैयार है, लेकिन आरोपी ने उसे बंधक बनाकर रखा है और गलत काम करने की धमकी देता है। वहीं युवक ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी पत्नी को वापस और जेवरात छुड़ाने की बात कही है। क्या नाम है तुम्हारा? कल्याण धाकड़। कहाँ से आए हो? ग्राम चकराना। कहाँ पड़ता है ये? पोरी के पास। पोरी के पास क्या समस्या लेके आए? अरे हमारी औरत का अपहरण हो गया, जहाँ से बटाई करते थे हम, जनौरी नौरी में। किस जगह से हुआ है अपहरण? ठाकुर का फार्म था। ठाकुर का फार्म? तो अपहरण किस जगह से हुआ, घर से हुआ या फार्म? यही फार्म से। किसने किया अपहरण? जी कैलारस के हैं, कैलारस की बगल में गाँव है बिरावली। बिरावली। तो आपको कैसे पता कि वो लोग हो सकते हैं अपहरण करने वाले? अरे हम ये 5 तारीख में हुआ, फिर मैं आओ घर से, मैं गाँव चला गो, पत्नी अकेली थी, बच्चे भी एक और फार्म करते, अब हाँ थे दादा दादी के, मैं आया तो तारो लग रहो और आटे की पीड़ में बनी धरी आवाज में तारो लग रहो, फिर मैंने तलाशी सब रिश्तेदारी ने फोन लगाए तो मतलब पता नहीं चला, जे नहीं आई सब ने मने कर दे, फिर हमने एक शख्स सुबह थी वो एक मेरी साड़ू पे वे तो कई साड़ू गए गिर रहा है धाका जे है सगोरिया उदय कैलारस के पास। वो आत रही तू हमें रिश्तेदार है तू तो वो आत रही तू तो भाई पे शख्स थी मैंने कि उधर कई आदमी ऐसे काम करता है। तो आपका पत्नी का अपहरण कब हुआ, कितने समय हो गया? आज हुआ 5 तारीख में हुआ, अब तो 3 महीने हो चले जो 5 आगे से 3 महीने हो चुके हैं। आपने इसकी शिकायत वगैरह कहीं की? शिकायत रिपोर्ट है भी, रिपोर्ट है एसपी साहब के भी, ये एप्लीकेशन दी है। तो आपसे जो अपहरण किया था व्यक्ति साहब का कोई संपर्क वगैरह हुआ था? पहले से कोई संपर्क नहीं है। फोन वगैरह? हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम फिर फोन आओ फोन आया, फिर क्या हुआ फोन आया? तो कह रो अब वो बेटे पत्नी कह रही है मैं तो मेरे बच्चे ने कह जाऊंगा तई, अब ये कह रहा हो कि पैसा दे दे मुझे पैसा दे जाओ तुम्हारी पत्नी ले जाओ। कितने पैसे की मांग कर रहे हो? पहले तो 1 लाख की है, अब तो 25,000 रुपए। आपको कोई लगता था क्या कि पहले का कोई प्रेम प्रसंग वगैरह? बिल्कुल जानते ही नहीं, अब मैं भी नहीं जाना सकल से।